अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और मज़े में हो। तो फ्रेंड हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यूटंग बस की न्यू डैशबोर्ड फाइल शेयर करूँगा। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत किस्म का डैशबोर्ड फाइल है और ये डैशबोर्ड फाइल गेम के जो सबसे लास्ट पर है उस बस के लिए है, सेकंडी बस के लिए है। बहुत ही प्यारी किस्म का डैशबोर्ड फाइल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। मैंने कहा दोस्तों के साथ ये वाला डैशबोर्ड फाइल शेयर कर दो। तो दोस्तों डैशबोर्ड के साथ साथ बस की जो सीट है, पैसेंजर की जो सीट है, ऑल सीट ये भी चेंज होगी। यहाँ पर आप देख सकता है ऑल पैसेंजर सीट चेंज है, ये देखो यहाँ पे आप देख सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डैशबोर्ड फाइल है और ये डैशबोर्ड फाइल सेकंडी बस के लिए है, गेम के जो सबसे लास्ट आखिरी पर है उस बस के लिए है। दोस्तों ये डैशबोर्ड कहाँ से डाउनलोड होगी और अपने गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी, सारा तरीका कार मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को वीडियो का हर पार्ट सही तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों डैशबोर्ड फाइल तो आप लोगों को यहाँ पर सही तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकता है डैशबोर्ड फुल मुकम्मल चेंज है। यहाँ पे आप देख सकता है, ये देखो ऑल डैशबोर्ड चेंज है और पैसेंजर की जो सीट है वो भी चेंज है। जब आप बस के अंदर कैमरा को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकता है, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ से भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकता है बस के अंदर डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये देखो डैशबोर्ड यहाँ से मालूम हो रहा है। लेकिन जब आप बस के अंदर कैमरा को ओपन करें तो डैशबोर्ड जो है वो गुम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकता है, ये देखो बाहर से नज़र आ रहा है और ड्राइवर जब आप नीचे जाएंगे तो फिर भी नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप बस के अंदर कैमरा को ओपन करें तो डैशबोर्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। तो आपने भी डाउनलोड कर देना है और अपने गेम में ऐड कर देना है। अगर आपके साथ भी इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर गेम का मसला है, अगर नहीं है तो फिर मेरे गेम में मसला है, आपने भी चेक कर देना है। तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जब आप बस के बाहर कैमरा ओपन करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है, ठीक है। और डैशबोर्ड फाइल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों का और वेस्ट नहीं करूँगा, तो लेट्स गो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊँगा कि ये डैशबोर्ड आपने किस तरीके से डाउनलोड कर देना और उसके बाद लगाने का तरीका भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करो ताकि गेमिंग के रिलेटेड से जो भी वीडियो हम अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो लेट्स गो वीडियो को शुरू करते हैं कि ये डैशबोर्ड फाइल आपने किस तरीके से डाउनलोड कर देना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आना है। तो फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को डैशबोर्ड फाइल का लिंक मिल जाएगी। जैसे आप लिंक पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद आपने इस वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड शो होगी, यहाँ पर आप देख सकता है। तो यहाँ पर आपने 15 सेकेंड वेट कर देना है, ये थोड़ी सी ब्लर भी हो जाएगी लेकिन आपने सिर्फ 15 सेकेंड वेट कर देना है, ठीक है। 15 सेकेंड वेट करने के बाद डबल टैप टू गो टू लिंक, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देने। उसके बाद ऊपर आ जाना है तो एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी, प्लीज़ वेट। यहाँ पर आप देख सकते आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डबल टैप टू गो टू लिंक और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगी। तो उसके बाद आपने वेरीफाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है। एक ऑप्शन आ जाएगी, ये देखो ये खुद वेरीफाई हो गया। अगर आपका नेट तेज़ है तो ये खुद भी वेरीफाई होगा, ठीक है। और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने 15 सेकेंड वेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक बैनर एंड वेट 15 सेकेंड गेट अनलॉक। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 15 सेकेंड वेट कर देना है, तो सेकेंड शो नहीं होगी लेकिन आपने सिर्फ 15 सेकेंड वेट कर देना है। 15 सेकेंड वेट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक टू कंटिन्यू, तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। और भी नीचे आ जाना है तो एक कंटिन्यू बटन देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने 5 सेकेंड वेट कर देना है, ठीक है। 5 सेकेंड वेट करने के बाद गेट लिंक पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद मीडिया पायर का लिंक आ जाएगी, तो यह डैशबोर्ड फाइल का डाउनलोड लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करो तो यहाँ से डैशबोर्ड फाइल डायरेक्ट डाउनलोड होगी। तो यह है डाउनलोड करने का तरीका। अभी आप लोगों को बताऊंगा कि यह डैशबोर्ड गेम के अंदर किस तरीके से ऐड होगी। तो आप लेना है मोबाइल के स्क्रीन पे।
तो मोबाइल स्क्रीन आने के बाद आपने आना है जेड अर्चुअर ऐप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड अर्चुअर ऐप में आना है और जेड अर्चुअर ऐप आने के बाद डाउनलोड वाला फोल्डर पे आना है। जब आप डिस्क्रिप्शन से फाइल का लिंक डाउनलोड करें वो सीधा डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगी। डाउनलोड फोल्डर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप डिस्क्रिप्शन से डैशबोर्ड फाइल का लिंक डाउनलोड करें तो इस तरह की जिप फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इस फाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस ट्रैक हेयर आपने इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटोंग बस डैशबोर्ड फाइल बाय एके गेमिंग ऑफिशियल। तो आपने इस फोल्डर पर क्लिक कर देना है, उस फोल्डर के अंदर आप लोगों को एक ही फाइल मिल जाएगी। तो ये फाइल आपने इसको यहाँ से कॉपी कर देना है, ठीक है, दबाव के रखना है, कॉपी पर क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद एंड्रॉयड वाला फोल्डर पे आना है, उसके बाद ओ बी बी फोल्डर और उसके बाद गेम का जो फोल्डर है उस पर आना है, मैन ओ बी बी एसेट बिन डेटा और उसके बाद ये वाला फाइल यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आपकी गेम में आपके बस पर डैशबोर्ड फाइल डायरेक्ट ऐड होगी। तो दोस्तों यह है लगाने का तरीका। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट लाजमी करो और साथ में साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।